बिजनौर के तहसील चांदपुर के उप जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र प्रताप मौर्य का शिव भक्तों से अभद्र व्यवहार करने से शिव भक्तों ने पजनिया में पुतला जलाते हुए SDM हाय हाय के नारे लगाते हुए ट्रांसफर की मांग की। नहीं क्षेत्र में कोई काम, चांदपुर SDM हाय हाय, चांदपुर SDM हाय हाय, चांदपुर SDM हाय हाय, जो पहुंचाए। आरोप है कि भंडारे की परमिशन के लिए उप जिलाधिकारी के निवास पर पहुंचे शिव भक्तों के साथ उप जिलाधिकारी चांदपुर ने दुर्व्यवहार किया है, जिसको लेकर पुतला दहन किया गया है। शिव भक्तों ने विधायक कमलेश सैनी से बताया तो विधायक ने भी फोन पर लताड़ लगाई। हमने तो DM साहब से कही थी, DM साहब से कही साहब परमिशन चाहिए हमें भंडारे की, ऐसे 18 साल से लगता चला रहे हैं, 19 साल आपके। DM साहब बोले आप तुरंत जो है SDM साहब के पास जाओ और आपको परमिशन मिलेगी। हम बोले साहब मगर आज तो जो है इतवार का दिन है, मगर छुट्टी में क्या होगा। बोले आप जाइएगा बिल्कुल आपको परमिशन मिलेगी। हम साहब वहाँ गए, जाकर साहब हम बाहर खड़े रहे, उन्होंने आधे एक घंटा खड़े रहे इंतजार में, वो उन्होंने ना किसी को बुलाया रत्ती भर भी, वे घर में से ना निकले। फिर एक पता ना कौन था उनका चपरासी था ना कौन था, वो आया लिवाने गए साहब, उन्होंने साहब उनको कहा मैं परमिशन कुछ नहीं देने का हूँ और उल्टी सुद्धियाँ मैं कहनी शुरू कर दिया, जाइएगा मेरे घर से बाहर, भाग जाइएगा यहाँ से। हम साहब बड़ी ठेस पहुँची। हम साहब फिर विधायक कमलेश सैनी के पास पहुँच गए, उनसे कही, उन्होंने साहब DM साहब को भी फ़ोन करा, फिर उनका रास्ते में फ़ोन आया भाई आओ, मगर हम तो ना आ रहे हो, जब तुमने हमारा मान सम्मान को ठेस पहुंचाई तो हम क्यों आएंगे तुम्हारे पास। तो फिर भी सामने एक लड़का भेज भेजा अपना, फिर पता कर अभी तो क्या चाहते हैं आप। हम तो इसका ट्रांसफर चाहे सब ऐसा भगा दो इससे। हाँ देखिए, इस वक्त पैजनिया चौराहे पर हम हैं और पुतला दहन यहाँ पर हमने SDM चांदपुर का करा है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि योगी सरकार की जो मंशा है, जो योजनाएं हैं, उन पर पलीता लगाने का काम ये जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं। सरकार की मंशा के विरोध में जाकर ये लोग ऐसे काम करते हैं जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। आज का मैं मामला बताऊं तो पैजनिया के कुछ लोग यहां से गए SDM साहब के पास परमिशन लेने कि साहब कावड़ शिविर लगाना है, परमिशन दे दीजिए। DM साहब से बात करने के बाद वो लोग वहां पर गए थे, लेकिन उसके बाद जो SDM साहब का बर्ताव था, देखिए दो चीज़ें हैं, आप परमिशन दें या ना दें वो आपका अधिकार है, आपके अधिकार क्षेत्र में है और जनता को पालन करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का बर्ताव, जिस तरह का दुर्व्यवहार SDM चांदपुर ने किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं है, वो शिव भक्तों की आस्था को ठेस है और शिव भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले को क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जनता का सम्मान नहीं करेगा उसका इस क्षेत्र में कोई काम नहीं है। तो हमारी गुजारिश है सरकार से, योगी सरकार से, क्योंकि अगर कांवड़ शिविर योगी सरकार में नहीं लगेंगे तो किस सरकार में लगेंगे, जबकि सरकार ने कोई इस तरह का आदेश जारी नहीं किया गया। ये जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर शिव भक्तों की आस्था को ठेस पहुँचाई गई। हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जो जनता का सम्मान नहीं कर सकता, जिसका व्यवहार जनता के प्रति सही नहीं है, उस अधिकारी को क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चांदपुर SDM हाय हाय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।